और इससे थेर को पता नहीं चला कि ये अरहत हो गया, क्योंकि अरहत को अरहत ही पहचान सकता है, कोई और नहीं पहचान सकता। ये खास बात है धम्म की, बुद्ध को बुद्ध ही पहचान सकता है या बुद्ध खुद पहचान सकता है। ये बुद्ध को बड़ी दिक्कत आई थी जब बुद्ध को बोधि का लाभ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज उनके पास आ गई कि शरीर और मन कैसे काम करता है। तो उन्हें बड़ी चेक करने की समस्या आई कि कैसे चेक करें, क्या वास्तव में मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया है। गाथा कथा नंबर 96, ये जैतवन की है और तिस्से थेर की है। कौसाम्बी, कौसाम्बी का एक तिस्से थेर है। तिस्से शब्द बहुत ज्यादा नाम बड़ा फेमस है, तिस्से माने जो तीनों के लिए, तीनों रत्नों के लिए, धम्म बुद्ध और संघ के लिए, इसका मतलब तिस्से होता है। तो तिस्से थेर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में उनके एक उपासक ने अपना एक 7 साल का बेटा उनको दे दिया और कहा कि आप इसको वज्जा दिला दें, अपने साथ रखें, इसको सामने बना लें। तो उन्होंने उसको सामने बनाने के लिए हामी दे दी और जब उसका मुंडन क्रिया हो रही थी, मुंडन क्रिया के होते 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 वो अरहत हो गया। और तिस्से थेर को पता नहीं चला कि ये अरहत हो गया, क्योंकि अरहत को अरहत ही पहचान सकता है, कोई और नहीं पहचान सकता। ये खास बात है धम्म की, बुद्ध को बुद्ध ही पहचान सकता है या बुद्ध खुद पहचान सकता है। ये बुद्ध को बड़ी दिक्कत आई थी जब बुद्ध को बोधि का लाभ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज उनके पास आ गई कि शरीर और मन कैसे काम करता है। तो उन्हें बड़ी चेक करने की समस्या आई कि कैसे चेक करें, क्या वास्तव में मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्योंकि इतना बड़ा नॉलेज तो किसी को प्राप्त हुई नहीं जो अपने पूरे शरीर को जान ले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गति को जान ले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के स्थान को भी जान ले। तो उन्होंने 7 दिन तक चेक किया, खुद देखा चेक करके कि क्या ज्ञान आज क्योंकि कोई है ही नहीं, अर्थ पे ही कोई नहीं है जो इस बात को जान सके, तो चेक कौन करेगा। तो खुद ही चेक करना पड़ा उनको, 7 हफ्ते लगे उनको चेक करने में। जब उनको पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब वो शरीर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं कि ये कैसे काम करता है, और उसका प्रैक्टिकल उन्होंने देखा है और बार बार करके देखा, तब उन्हें यकीन हुआ, तब वो बाहर आए निकल गए, तब उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया, ज्ञान को फैलाना शुरू किया कि कैसे शरीर काम करता है, कैसे दुख काम करते हैं। तो अरहत को अरहत पहचान सकता है और तिस्से थेर अरहत नहीं है, तो इसलिए वो पहचान नहीं पाए। ये जो मुंडन संस्कार है, ये मुंडन संस्कार पूरे भारत में बौद्धों का होता है, जहां मुंडा, मुड़िया, मूड़ा, मौड़ी, मौड़ा या मेड़े, मेड़ा, ये जितने भी मेड़ से शब्द, मैं और ऐसे मिलकर शब्द बने हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मुंडन संस्कार करते हैं, मुड़िया संस्कार करते हैं, और ये मुंडा लोग हैं जो सर को घोटते हैं और धम्म को सीखते हैं। और ये मुंडा यानी मुंडा होने की जो परंपरा है भारत की, बौद्ध के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि उससे पहले तो लोग जट हुआ करते थे, जटाएं रखते थे, जट होते थे, जटाएं रखते थे, और जटाएं रखे वो साधना विपस्ना तपस्या करते थे। इसलिए कहीं अगर आपको कोई मुंडा शब्द मिलता है, या मुंडेश्वरी मिलता है, या मुंडा ईश्वर मिलता है, या मुड़िया मिलता है, या मौड़ी मिलता है, या मौड़ी बाबा मिलता है, या मौड़ी बाबा मिलता है, मुंडा या मेड़े मिलता है, मेड़ा मिलता है, माड़ा मिलता है, तो ये सारे शब्द पाली के उन्हीं लोगों के लिए बताए जाते हैं। और ये जो आज के समय में जो गाँव में किसी को गंजा करके जो बेइज्जती करते हैं, दरअसल पुराने समय में जो कोई ध्यान और साधना के लिए जाता था, तो जब उसका मुंडन संस्कार होता था तो पूरे गांव में उसको चक्कर लगा के उसका सब आदर सत्कार करते थे, और आदर सत्कार करके उसको गांव के बाहर तक छोड़ के आते थे। आज भी जो नगरकोट की जात लगाने जाते हैं वो वही काम करते हैं, पीले कपड़े पहन के, मगर मतलब बदल गया है अभी, क्योंकि धम्म जा चुका है, मगर परंपरा वही है। तो इस बच्चे का जब मुंडन संस्कार हुआ, क्रिया हुई इसकी, संस्कार को संखार बोलते हैं, संखार हुआ उसका, क्रिया हुई, तो वो अरहत होने के बाद में साथ साथ चलता रहा। रात को एक जगह आराम में वो रुके, तो फिर तिस्से ने सोचा कि बच्चा है जंगल में, कहीं कोई जानवर इसको खाना जाए, तो उसने कहा तू मेरे पास आके सो जा। बच्चा अरहत हो चुका है, अब वो शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शरीर को स्पर्श करेगा तो उसे परेशानी होगी। जो व्यक्ति अरहत हो जाता है या बुद्ध हो जाता है या बोधिसत्व हो जाता है, वो किसी के शरीर को स्पर्श करके काया का सुख नहीं ले सकता, चाहे वो काया किसी की भी है, उसके लिए तो सारी काया समान है, तो अलग रहता है, और उसको घर छोड़ना पड़ता है अरहत को, अरहत घर में नहीं रह सकता। तो उस बच्चे ने कहा फिर ने कि आप सो जाइए, और वो कोने में बैठ के आराम से रात भर बैठ के अपना ध्यान तपस्या करता रहा। अरहत हो गया, अरहत होने के बाद में ध्यान अपने आप लग जाता है, क्योंकि ऊंची अवस्था है। सुबह को जो थेर उठे, तो थेर ने आधी नींद में उसको जगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बच्चा पहले से जगा हुआ था अरहत,
तो वो उंगली आंख में लग गई, आंख में लग गई, आंख में लगने के बाद में जख्म हो गया आंख में, आंख सूज गई या जो सा भी कुछ हुआ। तो वो बच्चा अपना काम करता रहा, दैनिकचर्या जो उसकी दिनचर्या थी। तो थेर ने कहा कि इसने आंख के ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है? तो उसको कहा कि ये हाथ हटाओ अपना, ये तुमने आंख के ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है? तो उसने हाथ हटाया तो उसने देखा चोट लगी, तो उसने डांटा कि चोट कैसे लगी? तो उसने बताया कि आपने जगाया तो उंगली आपकी लग गई है। तो उसने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की और उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बच्चे ने एक बार भी इसकी शिकायत नहीं की और एक बार भी मुझे कुछ कहा नहीं, ये बिल्कुल शांत बैठा रहा, ये चिल्लाया भी नहीं, रोया भी नहीं। ऐसा जानकर उसे कुछ डाउट हुआ कि ये बच्चा धम्म में आगे तक जा चुका है। फिर वो भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध ने उसे देखा और परखा और बताया कि ये अर्हत हो चुके हैं, अब ये अर्हत हैं। और तब उन्होंने ये गाथा की, क्योंकि तिस्से थेर को ये शंका थी कि ये बच्चा आखिर चिल्लाया क्यों नहीं, रोया क्यों नहीं और ये इतना शांति से क्यों है। और मेरे माफी मांगने पर भी इसने कहा कि आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा व्यवहार क्यों किया इसने? इस बात की चर्चा जब उसने वहां की भगवान से, तो भगवान ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 96 इस प्रकार है। संतं तस्से मनं होति संता वाचा चे कम चे समदैया विमुत्तस्से उपसंतस्से तादिको समैया विमुत्तस्से उपसंतस्से तादिको। तादिको माने अर्हत होता है, यानी कि जिसकी उपशमन हो चुका है, उपदमन हो चुका है, यानी सारे राग द्वेष का दमन हो चुका है, शांति हो चुकी है, ऐसा जो अर्हत है वो विमुक्त हो चुका है अच्छे ज्ञान के कारण। समदैया जो बोलते हैं अच्छी तरह से समझकर, यानी अच्छी तरह से समझकर वो विमुक्त हो चुका है सारे राग द्वेषों से। और ऐसा जो संत होता है उसका मन शांत हो जाता है, उसके वचन शांत हो जाते हैं, उसका कर्म शांत हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अर्हत होता है अच्छी तरह से समझकर जानकर, जब वो अर्हत होता है तो उसका मन शांत हो जाता है, और जिसका मन शांत होता है उसका वचन भी और यानी वाणी भी बोलना भी शांत हो जाता है और उसके कर्म भी शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चा अर्हत हो गया। अर्हत होने के बाद में ना वो चिल्लाया, ना वो चीखा, ना उसने अपने टीचर को कुछ कहा, वो शांत रहा, बिल्कुल गंभीर रहा, धीर रहा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Among us.
साधु। कामेश मिठतर बिरमन सिखाप धुस्माध्यामी कामेश मिठतर बिरमन सिखाप धुस्माध्यामी कामेश मिठतर बिरमन।